नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपने खाते से नकद निकाला हो, या आपके पेरेंट्स ने, आपके ब्रदर सिस्टर ने, आपके किसी रिलेटिव ने, फ्रेंड ने अपने खाते से नकद निकाला हो और फिर ये क्वेश्चन आया हो कि अब उस नकद की जरूरत नहीं है तो उसको दोबारा जमा करा देते हैं। विशेष रूप से उस परिस्थिति में जब निकाली गई राशि बड़े अमाउंट की है, से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो क्या करें? क्वेश्चन आता है, क्या हमने बैंक से अगर कैश निकाला हो तो उसे वापस जमा करा सकते हैं? तो दोस्तों, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और जनता जनार्दन को छूता हुआ विषय है। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपनी छोटी सी नॉलेज से, जो मेरे पास में है, मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से पजेस की हो, जनता जनार्दन के लिए इंपॉर्टेंट इस विषय पर एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, मैं सी अनु भाटिया आज की इस वीडियो से आपके समक्ष इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्या बैंक से निकाला गया कैश वापस जमा कराया जा सकता है अथवा नहीं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो इसी इनिशियल बैकग्राउंड से जो मैंने आपके समक्ष रखे, उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अपने इस डिस्कशन को लेकर के आगे बढ़ता हूं। कि जैसे पहला क्वेश्चन आया कि कितना कैश जमा कराया जा सकता है, हाउ मच कैश मे बी डिपॉजिटेड बैक। जैसे मान लीजिए अप्रैल 2023 में मेरे किसी मित्र ने अपने खाते से 15 लाख रुपए नकद निकाला। हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे और उस प्रॉपर्टी में उनको कोई इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल एडवांस की राशि देनी थी और वो नकद देनी थी, तो उन्होंने वो 15 लाख निकाले। या हो सकता है किसी शादी के पर्पज से वो 15 लाख रुपए निकाले, या हो सकता है किसी जरूरत के पर्पज से उन्हें वो 15 लाख की आवश्यकता थी, उन्होंने खाते से निकाले। लेकिन सितंबर अक्टूबर होते होते वो पैसा उस पर्पज से काम नहीं आया, या उस पैसे में से जो 15 लाख की राशि निकाली गई उसमें से केवल 2-3 लाख ही काम आए, बाकी की राशि वापस पड़ी है, तो सोचा क्यों ना बैंक में जमा करा दें। तो अब अगर वो व्यक्ति 15 लाख में से सपोज 13 लाख वापस जमा करा रहे हैं, तो क्या कोई समस्या है? एक और प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम ऑफ रीडिपॉजिट। अब मेरे पिछले प्रश्न में या पिछले उदाहरण में ही ये भी क्वेश्चन आ गया कि अगर आप जमा करा रहे हैं वापस से, तो क्या सेम फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा हो जाना चाहिए या अगले फाइनेंशियल ईयर में भी जमा हो सकता है? एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रिलेवेंट इनकम टैक्स रूल्स इन दिस रिगार्ड। क्या इनकम टैक्स एक्ट ने भी या इनकम टैक्स रूल्स में भी कोई ऐसे रूल या नियम बने हैं क्या कि आप इतनी समयावधि में अपनी राशि को जमा करा सकते हैं? और एक और प्रश्न, व्हाट इफ इफ योर व्यू इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी। कि मान लीजिए 15 लाख में से 2 लाख खर्च हुए, 13 लाख रुपए पार्टी ने वापस से, असेसी ने वापस से कैश जमा करा दिए, कल किसी वजह से इनकम टैक्स असेसमेंट खुल गया और असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि साहब मैं तो नहीं मानता, आपने अप्रैल में पैसा निकाला था और अक्टूबर में जाकर के वापस जमा कराया, तो ये तो आपकी कोई ब्लैक मनी है, मैं इसको आपकी इनकम में जोड़ दूंगा, न केवल जोड़ दूंगा बल्कि इस पर 60% रेट से टैक्स और लगाऊंगा। इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर जानना ही आज की इस वीडियो का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मैं यहां पर डेवलप करना चाहता हूं। तो चलिए अपने इन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर भी निकालने की कोशिश करते हैं, या अपने पेशेवर अनुभव से जो राय मैं यहां पर दे सकता हूं वो अब आगे आपसे बात करता हूं। जहां तक बात दोस्तों इस विषय में है कि कितना कैश जमा हो सकता है, एज सच ऐसी कोई लिमिट है नहीं। अगर आप ये जस्टिफाई कर पाए कि मैंने कैश निकाला और अब मुझे उस कैश की जरूरत नहीं थी तो मैंने वो कैश वापस जमा करा दिया, तो आप कैश को जमा भी वापस करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैश निकाला था, मैं मान के चल रहा हूं, वो आपकी एक नंबर की पूंजी थी, और जिस भी पर्पस से निकाला हो, आज अगर वो कैश आप वापस जमा कराना चाहते हैं तो जमा कराने का आपका अधिकार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि करेंसी में डील करना, नकद में डील करना इनवैलिड है, नकद में डील करना अलाउड होना चाहिए। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके के नकद विड्रॉल के बाद किए गए नकद जमा को एक्सेप्ट करता है? जनरली आप देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नकद जमा को स्वीकार नहीं करता और ये मानता है कि जो नकद असेसी जमा करा रहा है वो एक तरीके से उनकी अघोषित आय है। तो ऐसे में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नकद वापस जमा कराते भी हैं तो जनरली एक बड़ा पीरियड गैप नहीं होना चाहिए आपके नकद निकालने में और उस नकद को पुनः जमा कराने। अब बड़े पीरियड गैप से क्या मतलब है? क्या मैं कुछ दिन के लिए बोलना चाहता हूं, कुछ महीने के लिए बोलना चाहता हूं, कुछ वर्षों के लिए कहना चाहता हूं? मेरा मानना है दोस्तों कि
कुछ दिन से लेकर के कुछ माह की अवधि में आप लॉजिकली अपने नकद को जमा करा सकते हैं। पर कई बार यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैंने वित्त वर्ष 21-22 में तो पैसा निकाला था और मेरे पास वो पैसा पड़ा रहा, अब मैंने वित्त वर्ष 23-24 में उस नकद को जमा कराया, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी कहानी झूठी है, लेकिन उनकी कहानी को मानने की संभावना आयकर विभाग की ओर से बहुत कम रह जाती है। तो इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट कि जनरली जो पीरियड ऑफ रीडिपॉजिट होना चाहिए, जो समय का अंतर होना चाहिए जिसमें आप पैसे को वापस जमा कराते हैं, वो जनरली शॉर्ट पीरियड होना चाहिए, एक रीजनेबल पीरियड होना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि इस संदर्भ में इनकम टैक्स रूल्स क्या है, क्या वो कोई समय अवधि देते हैं क्या? नहीं सर, इनकम टैक्स रूल्स में, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कोई ऐसा ना तो हाँ की बात की गई है ना ना की बात की गई है। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 68, वो ये कहता है कि अगर एसएससी ने कोई नकद अपने खाते में जमा कराया जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अब आप समझिए बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने कैश कैसे जमा कराया। तो आप बोले साहब मैंने पहले निकाला था, तो पहले क्यों निकाला था ये भी तो एक क्वेश्चन उनका हो सकता है, और निकालने के बाद इतने समय वो नकद पड़ा क्यों रहा और फिर अब जमा करा दिया, और कितना निकाला था पैसा और कितना जमा कराया, उसका बैलेंस क्या था, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको तैयार रहना है यदि आप नकद वापस जमा कराने जा रहे हैं। और यदि दोस्तों आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो असेसिंग ऑफिसर आपकी ऐसी नकद जमा राशि को अघोषित आय मानते हुए, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मानते हुए 60% रेट से टैक्स लगा सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के ट्रांजेक्शन में हमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर आप वास्तव में बहुत श्योर हैं तभी आप रीडिपॉजिट करिए, अन्यथा आप रीडिपॉजिट से बचें। अब दोस्तों एक बात मेरे कुछ ऐसी समझ में आई कि चलिए जब मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर ही रहा हूं कि कैश रीडिपॉजिट करना है, और मैंने आपके साथ 3-4 क्वेश्चंस पर पहले डिस्कशन भी किया, तो एक फाइनल मैसेज क्या मैं देना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, या क्या चीज कंक्लूड करनी चाहिए? देखिए प्राइमा फेसाई तो मैं ये मानता हूं कि कैश के ट्रांजेक्शन्स हमें अवॉइड करने चाहिए, उसमें भी विशेष रूप से कैश जमा कराना अपने खाते में, क्योंकि अगर आप एक वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक राशि अपने खाते में जमा कराते हैं, विशेष रूप से सेविंग बैंक अकाउंट में, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में या अन्य राडार पर दिखती है। जब दिखती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस विषय में एसएससी से इंक्वायरी कर सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने कैश वापस से निकाला फिर जमा कराया, ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन सर अगर आपने कैश निकाला है और आप जमा करा रहे हैं, तो एक रीजनेबल पीरियड जो कि एक संक्षिप्त समय अवधि होनी चाहिए, उतने में ही वो राशि जमा होनी चाहिए। अगर आपने एक लंबी अवधि ली है तो ऐसा जमा कराया जाना आपके लिए रिस्की हो सकता है इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से। रिस्की का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके उस कैश जमा को आपके प्रीवियस कैश विड्रॉल से कनेक्ट नहीं करे, और फिर वो चीज आपको परेशान कर सकती है। तो आई होप ये मैसेज आप तक मैं पहुंचा पाया हूं, और आप इसके अनुरूप अपने ट्रांजेक्शन को अब आगे मैनेज कर। फाइनली दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि आज हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, आज हम यूपीआई पेमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे में कैश निकालना और फिर उसको जमा कराना अपने आप में कहीं ना कहीं सस्पिशन पैदा करता है। हाँ, हमारे देश की कुछ अद्भुत ऐसी बातें हैं जो यहां पर इस ट्रांजेक्शन को, कैश निकालने को, कैश जमा कराने को पैदा करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदनी है और प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर का इन्वॉल्वमेंट बड़ा कॉमन है हमारे देश में से, और इसकी वजह से बहुत से लोग जिनके पास 2 नंबर का पैसा नहीं है उन्हें अपने खाते से पैसा निकालना पड़ता है, और खाते से पैसा निकाल करके वो 1 नंबर का एक तरीके से 2 नंबर कर रहे होते हैं सामने वाले को, यानी बेचने वाले को, वो पैसा नकद देते हैं। अब कभी कभी डील क्लोज हो नहीं हुई और इस वजह से वो पैसा वापस आ गया तो हमने खाते में जमा कराया, इस तरीके की परिस्थितियां सर बहुत एब्सर्ड कंडीशन होती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे कंट्री में ये 1 नंबर 2 नंबर के खेल बंद होने चाहिए, और इसकी भूमिका में कहीं ना कहीं जो हमारा ये चुनावी सिस्टम है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं सर, विशेष रूप से 4 या 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, और हमारे देश में जब
चुनाव होते हैं तो कैश का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रीबीज के रूप में या खर्चों के रूप में, और ये कैश का जो प्रवाह है इसका लंबे समय तक इंपैक्ट इकोनॉमी पर भी रहता है और ये एक नंबर के दो नंबर के ट्रांजेक्शंस में भी चलता रहता है। तो मेरा मानना है सर कि आने वाले समय में ऐसा सिस्टम सुधरे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक नंबर में ही ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रेरित हो। इसकी जिम्मेदारी समाज पर है, इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर है, इसकी जिम्मेदारी देश के नागरिकों पर है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट एवर मैसेज आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट थ्रू दिस वीडियो, इट इज देयर बिफोर यू एंड दिस वीडियो वुड प्रूव टू बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय।